जय श्री महाकाल। आपके पास जीवन में कितना धन रहेगा, कितना पैसा रहेगा, बैंक बैलेंस कैसा होगा, सेविंग्स आपके पास कैसी रहेगी, इन सभी विषयों पर मैं आज आपको बताने वाला हूं। आपकी हाथ की रेखाओं में कितना है धन प्राप्ति का योग, क्या होंगे मालामाल या फिर जीवन भर रहेंगे कंगाल, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे ऐसे ही आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल पर शीघ्रता से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हाथ की रेखाओं में छुपा है आपके जीवन का रहस्य। उसी में हाथ की रेखाएँ यह भी बताती हैं कि आप जीवन में कितने धनवान बनने वाले हैं, कितना पैसा आपके पास रहने वाला है। तो ऐसी तीन प्रमुख बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिससे आप अपना हाथ देखकर समझ सकते हैं क्या वास्तव में आप भी धनवान रहेंगे या फिर जीवन भर कंगाली से सामना करना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, सबसे पहला जो नियम है वह नियम ये है कि यदि आपके हाथ की उंगलियां, जी हाँ, इन उंगलियों की लंबाई यहाँ से लेकर ये बीच वाली उंगली तक यदि आप नापेंगे, तो इनकी अपेक्षा यदि आपकी हथेली का साइज अगर बड़ा है, इन हथेली का साइज उंगलियों से अगर बड़ा है, तो समझ लीजिए कि आपके पास काफ़ी धन पैसा रहने वाला है। आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी रहने वाली है, आपका बैंक बैलेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। देखा गया है कि जिन लोगों की हथेली उंगलियों की अपेक्षा बड़ी होती है, ऐसे व्यक्ति धन को इकट्ठा करके रखने वाले होते हैं। लेकिन यदि आपकी उंगलियों का साइज आपकी हथेली से बड़ा है, तो समझ लीजिए कि ऐसा जो व्यक्ति होता है वह अपनी सुख सुविधाओं में, भोग विलास में काफ़ी धन का खर्च करने वाला होता है, और इसी खर्चे के कारण जीवन में हमेशा तंगी बनी रहती है, कंगाली बनी रहती है। अगले दूसरे नियम के विषय में हम बात करते हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि यदि आपके हाथ में जो हथेली के बीच में, आप सभी अपने हाथ में देखेंगे कि जो राहु का स्थान होता है, इस स्थान पर बीच में गड्ढा होता है। अब ध्यान रखने की बात यह है कि यदि आपके हाथ में जल रखते समय पानी हथेली के किसी भी हिस्से से बाहर नहीं गिरता है और वह हथेली में बीच में ही इकट्ठा रहता है, तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के पास काफ़ी धन रहने वाला है, उसका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात एक और यह है कि यदि आपके हाथ में अगर जल आगे की तरफ जाता है और उंगलियों के बीच से निकल जाता है, तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का धन बहुत लंबे समय तक इकट्ठा नहीं रहेगा। वह पैसे को इकट्ठा तो करता है, लेकिन किसी ना किसी कारण से उसका पैसा खर्च होते ही रहता है, वह सेविंग्स को बराबर नहीं रख सकता है, अनावश्यक कारणों से उसका धन खर्च हो जाता है। लेकिन यदि आपके हाथ में जल बीच में ही एकत्रित होकर रहता है, तो समझ लीजिए कि आपकी सेविंग्स काफ़ी अच्छी रहने वाली है। अगला जो तीसरा और महत्वपूर्ण नियम है, वह भी आप जान लीजिए। आप जानते हैं कि हाथ में अंगूठे और तर्जनी उंगली से निकलने वाली जो रेखा है, उसे जीवन रेखा अर्थात लाइफ लाइन कहा जाता है। उसी के साथ निकलने वाली एक रेखा होती है जो बीच हथेली तक जाती है, जिसे हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, और हाथ के मणिबंद से लेकर मध्यमा उंगली तक ऊपर की तरफ जाने वाली जो रेखा है, उसे भाग्य रेखा कहा जाता है। साथ ही बुध पर्वत से निकलकर शुक्र पर्वत की तरफ आने वाली जो रेखा होती है, इसे स्वास्थ्य रेखा कहा जाता है। यदि आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा से अगर त्रिकोण बन रहा है, तो समझ लीजिए कि आप जीवन में काफ़ी धनवान रहने वाले हैं, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा, भर भर के पैसा आपके अकाउंट में रहने वाला है, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। परंतु ध्यान रखने की बात यह है कि इस त्रिकोण को किसी भी प्रकार से कोई भी बारीक या पतली रेखाएं इन्हें ना काटती हों, अगर इस तरह से कट रही होंगी, तो समझ लीजिए कि पैसा तो रहेगा, लेकिन उस पैसे का उपयोग आप स्वयं नहीं कर पाएंगे, वह पैसा हमेशा दूसरों के ही उपयोग में आने वाला है। तो
आशा करता हूँ इन सभी विषयों को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। जय महाकाल, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।